हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो यहाँ पर एक वुमेन लीग का बहुत ज़बरदस्त मैच होने वाला है, विलिंगटन फोनिक्स वुमेन वर्सेस कैनबेरा वुमेन के बीच। तो आपको बता दूं कि ये दोनों मैच इन दोनों टीम्स के बीच एक साल पहले हुआ था, जिसके अंदर विलिंगटन फोनिक्स ने इनको 5-0 से बीट कर दिया था। लेकिन आज के दिन और पिछले साल जो मैच हुआ था उसमें बहुत बड़ा अंतर है। आज से पहले सीएनबी टीम बहुत कमज़ोर थी, अभी भी कमज़ोर है, लेकिन विलिंगटन फोनिक्स जो मजबूत टीम थी वो कमज़ोर हो चुकी है। इतना बड़ा चेंज है, मतलब आज ये टीम सिर्फ 10वें नंबर पे रैंक कर रही है भाई। और ये प्रीमियर लीग नहीं है कि यहाँ पर 20 टीम खेलेंगी, यहाँ पर गिनती की 12-13 टीमें हैं यार। और उसमें भी अगर आप 10वें नंबर पे हो, और भले ही सीएनबी 12वें नंबर पे, लेकिन उनका गोल रेशियो तो देखो, विलिंगटन फोनिक्स हर मैच के अंदर एक गोल करती है और हारती है, लेकिन सीएनबी हर मैच के अंदर 3-3 गोल करने की ट्राई तो कर रहे हैं, सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। इसलिए भाई मैं तो यहाँ पर भाई एक उल्टा खेल खेलने वाला हूँ, और जिसको ये उल्टा खेल मेरे साथ खेलना है तो वो खेल सकता है, मतलब सीएनबी को फेवर कर सकता है। अब बात करें यहाँ पर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं स्ट्राइकिंग की ओर। तो बात करें स्ट्राइकिंग की, देखो भाई स्ट्राइकिंग के अंदर हेमन ये लड़की है जो, इसने बहुत ज़बरदस्त गेम प्ले दिया, मतलब इसको मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ। देखो 13 जनवरी को एडीएल को नहीं बख्शा, उसके बाद ऐसी बात तो है नहीं कि ये पीछे हटी, इसने 13 जनवरी के बाद भी एक मैच के अंदर 2 गोल किए थे। तो मतलब ये बार बार चीज़ दोहराई जा रही है, तो बार बार तो तुक्का नहीं लगता ना, जो लोग कह रहे थे कि तुक्के से गोल कर दिया। अबे तुक्का तो एक बार होता है, 2 बार होता है, लेकिन बार बार थोड़ना होता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लूँगा। उसके बाद इसके साथ बात करें तो इनकी एक प्लेयर है मिली वोजेविक, उससे भी अच्छा खेलती है। मतलब मेरे को तो एक ट्रस्ट होता है ना, वो तो इन्होंने पैदा कर दिया ट्रस्ट, तो मैं क्लियर आपको वीडियो में बोल रहा हूँ। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें, स्पेकमेयर अच्छी लगती है मेरे को, स्पेकमेयर का गोल रेशियो अच्छा है, पॉइंट सिस्टम अच्छा है, पॉइंट देने में अच्छी है, लेकिन इसके साथ जो उसका साथ देने वाली लड़की जैसे होती है ना, कि स्ट्राइकिंग के अंदर एक कॉम्बिनेशन होता है, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारा एक, हम तो स्ट्राइक पे होते हैं और एक नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे एक बंदा खड़ा होता है, तो हमें लगता है वो हमारा सपोर्टर है, ठीक है। और वैसे ही भाई स्पेकमेयर की जो असिस्ट करने में मदद कर सकती है वो मुझे फ्रेजर लगती है। मैंने पिछले मैच में फ्रेजर को लिया था, लेकिन वो 20 जनवरी को खेली नहीं, फिर उससे पहले जितने भी मैचेस थे उसमें चली, तो मुझे फ्रेजर की कमी खल जाएगी अगर नहीं खेली। और ई मेन की बात करूं तो ई मेन तो सच में बहुत मेन है, जो इसके नाम में मेन है ना, ये सच्ची में बहुत मेन प्लेयर है, क्योंकि ये एक स्ट्राइकर है, और अगर आप स्ट्राइकर को छोड़ते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। दिखने में मिडफील्डर जरूर है, लेकिन करती स्ट्राइकिंग ही है। उसके बाद आगे से बात करें, सीएनबी के प्लेयर डी जैक्सन के साथ जाओ यहाँ पर। उसके बाद स्ट्राइकिंग की बात करूँ तो फ्लैनरी को यहाँ पर जिन लोगों ने लेना है ले लो, जिन लोगों ने लेना है, कोई ज़बरदस्ती या कुछ ऐसा कोई बात नहीं है। और अगर आपने उसको लेना तो आप जैक्सन छोड़ के भी फ्लैनरी को ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा प्लेयर मत भरना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। और आगे से बात करें डिफेंडिंग की, तो डिफेंडिंग के अंदर भाई यहाँ पर ना मैं एक आपको राय दूंगा, फॉस्टर को ज़रूर लो, क्योंकि फॉस्टर ने, इसकी कोई गलती नहीं है, पूरी टीम की मिस्टेक होती है, तो एक बेचारी लड़की पीसी जाती है। उसके बाद के टेलर की बात करें तो मेरे को टेलर से एक्सपेक्टेशन बहुत थी, लेकिन पानी फिर चुका है अब तो, इसलिए मैं सीएनबी की प्लेयर लूँगा पहले। क्लार्क के बाद है भाई अपनी ग्रोव, ठीक है, दो प्लेयर के बाद हमारी जो चौथी प्लेयर है वो क्लफ हो सकती है यहाँ पर, अगर अच्छा प्रदर्शन करेगी देन वेल एंड गुड, नहीं करेगी तो ठीक है भाई अगली बार नहीं लेंगे, लेकिन अभी तो मैं ट्राई करूँगा। एंड बात करें गोल कीपिंग की, यहाँ पर फॉस्चर को लूँगा, ठीक है। तो लेट्स सी कि आर फॉस्चर कैसा प्रदर्शन करती है। आज उल्टी टीम बनाई है मैंने, विलिंगटन फोनिक्स के फेवर में नहीं है ये, मेरी जो टीम का कप्तान भी होगी ना वो होगी हेमन, वाइस कप्तान जो होगी वो ऑपोजिशन टीम की स्पेकमेयर होगी, क्योंकि ये डबल साइडेड मैच है। लेकिन मैं सच्ची बताऊँ, अगर बात आती है यहाँ पर फॉलोइंग की, तो मैं सीएनबी को फॉलो कर रहा हूँ इस मैच में, मैं चाहता हूँ कि ये जीते, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, ठीक है। बाकी देखते हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।